स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर मिस ज़ेबुनिसा एंड दिस इज़ द बायोलॉजी क्लास फॉर ग्रेड 10 एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 एंड द टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस। स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आर प्रीवियस लेक्चर दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। So homeostasis is the maintenance of the internal condition of body at equilibrium despite change in the external environment. Then we did some examples of homeostasis that were osmoregulation. It regulates the amount of water and salt in the body. Next, thermoregulation is related with the maintenance of internal body temperature, and excretion is a process of homeostasis, is the process the metabolic waste are eliminated from the body. Then we started the homeostasis in plants and we done the removal of extra carbon dioxide and oxygen, removal of extra water, removal of other metabolic products. Today we are starting our next topic, that is the osmotic adjustment in plants, and it is related to the availability of amount of water and salt. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी प्लांट्स को कितना पानी और कितने सॉल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देर इज़ अ difference between diffusion and osmosis. Osmosis is the movement of molecules or particles from higher concentrated area towards a lower concentrated area. ठीक है, but osmosis is the movement of water from hypotonic solution to hypertonic solution थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। यानी ये क्या है ऑस्मोसिस? क्या है ये? मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें लेस सोल्यूट होते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन के ज़रिए जिसमें से कुछ तो मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं और कुछ गुजर नहीं सकते, दे वेयर ओकर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो दिस इज़ अ डिफरेंस के डिफ्यूजन में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन नहीं है। ऑस्मोसिस जो है वो किसके थ्रू होती है? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन में। और एक सॉल्यूशन के जो हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में होता है जिसमें हल किया जाता है, और जिसको हल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। अगर आप लें स्पून फुल ऑफ शुगर एंड मिक्स इट इन वाटर, तो इसमें वाटर जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। अभी अगर आपने एक स्पून जो हल कर दिया उसमें मिक्स हो गया, तो ये अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन आप अगर मिक्सिंग जारी रखें, शुगर ऐड करते चले जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें जो है क्या होगा, शुगर जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी ग्लास में, चीनी जो है नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें कि आप ज़्यादा हल ना कर सकें। या सिंपल आप एग्जांपल इस तरह समझ सकते हैं, अगर एक पानी का गिलास है और एक शरबत की बोतल है, तो पानी का गिलास जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और शरबत की बोतल जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। और किस पे डिपेंड करती है
कि कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट के लिए और कितने सॉल्ट हैं, इसको बेस बनाते हुए प्लांट्स जो हैं वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट। हाइड्रोफाइट्स से आप नाम से समझ सकते हैं कि ये वो प्लांट हैं जो प्लांट विच आर कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे और पार्शली कुछ, यानी कुछ हिस्सा उनका पानी में होता है, कुछ पानी से बाहर होते हैं। तो ऐसे जो प्लांट हैं उन्हें किसी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि पानी की जो है, वाटर की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म, उनके कुदरत की तरफ से उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ हुआ होता है कि वो जो अपनी एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव कर देते हैं अपने सेल से। और इसके लिए आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है, उसके लिए क्या होता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है ऐसे लीव्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं जो अपर सरफेस पे होते हैं लीव की, और एंड दे रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू दैट स्टोमेटा। और इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज़ वाटर लिली। नेक्स्ट इज द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर, ठीक है, समुद्री पानी में रहते हैं। अब ये देखें हाइड्रोफाइट्स कहाँ पे हैं, फ्रेश वाटर में, और हेलोफाइट्स कहाँ पे रहते हैं, सी वाटर में। और अपने आप को उन्होंने डिवेलप कर लिया होता है सॉल्टी एनवायरनमेंट, सॉल्टी मतलब जाहिर है वो समंदर का पानी आप सबको पता है नमकीन होता है, तो उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया होता है। सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। अब जाहिर सी बात है कि बाहर समंदर में नमक ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, पौधे के अंदर। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इन टू हाइपर टॉनिक सी वाटर। अब पानी ने किधर मूव करना है, जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ है, समंदर में। तो प्लांट के सेल से वाटर मूव करता है आउटसाइड और सॉल्ट मूव करता है इनसाइड। व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूज। तो क्या होता है कि अंदर जो है उसके सॉल्ट जो है वो क्या करना शुरू हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तरीके उसे कैरी करता है वैक्यूज में। और जो प्लांट्स के अंदर सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्ट्स को अलाउ नहीं करती कि वो उसे मूव आउट करें। ठीक है, वैक्यूज की जो है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है सॉरी उसे अलाउ नहीं करती कि सॉल्ट जो है मूव आउट करे। और क्या होता है, सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। तो पानी प्लांट के जो वैक्यूल हैं सॉल्ट की एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ सॉल्ट जमा होता रहता है, तो वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। फिर जो है क्या है कि जब वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता। मैनी सी ग्रासेज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, सी ग्रासेज। नेक्स्ट इज द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सैंड में, रेत में डिवेलप करते हैं ड्राई एनवायरनमेंट में। दे पोजेसिस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, जो इनकी अपर लेयर होती है प्लांट की उसके ऊपर एक क्यूटिकल वैक्सी लाइक एक लेयर सी होती है, थिक होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस जो है वो इंटरनल टिश्यू से उसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, पानी पौधे से बाहर नहीं निकल सकता। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब क्योंकि यहाँ पे पौधे को पानी की ज़रूरत है, उसके इर्द गिर्द ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पानी नहीं है, तो पौधा प्लांट ये चाहते हैं कि उनके बॉडी से वाटर जो है इवेपोरेट ना हो, तो इसके लिए लेस स्टोमेटा होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स, और उनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक ही होती हैं टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल, ताकि वो सॉइल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ले सकें। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल
पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, के अपने प्लांट के अंदर ही जो है वो पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं। दे मेक देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी, और इसकी एग्जाम उनकी जो स्टेम्स हैं या उनकी रूट हैं वो वेट और जूसी होती हैं, उन्हें हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। कैक्टी सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट, कैक्टस के जो प्लांट हैं आप ये देखें जो उसके ऊपर मोटा सी जो आपको स्टेम नज़र आती है ग्रीन कलर की, वो जूसी और सकुलेंट इन्हें ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर आपको कांटे नज़र आते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ जो है रिड्यूस होके स्पाइंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्री ग्रुप्स? हाइड्रोफाइट्स ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर and they have large stomata on the upper surface of leaf for the removal of water. Halophyte lives in the sea water. They have high concentrated salts in their vacuoles, so they live in a most hypertonic condition, so water does not move outside the body of the plant. Next come the xerophytes. They have thick sticky succulent organs, waxy cuticle. They have deep roots and in which they collect water. Cactus are the examples of such plants, xerophytes. So these are the three groups. Students, here we completed the homeostasis in plant. In our next topic, we will start homeostasis in human. Always keep smiling. Good luck.